नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल दुनिया सपनों की। और दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे, यदि आप सपने में खुद को पढ़ते हुए देखते हैं या फिर खुद को पढ़ाते हुए देखते हैं किसी को, चाहे किसी स्कूल में या फिर किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को, तो ये सपना आपके लिए शुभ होता है या फिर अशुभ। तो यदि आप जानना चाहते हैं इस सपने के बारे में तो हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिए ताकि आपको सही और पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। उससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रह सकें। दोस्तों, यदि आप सपने में खुद को पढ़ते हुए या फिर पढ़ाते हुए देखते हैं तो ये सपना बहुत ही अच्छा संकेत देने वाला माना जाता है। इस सपने का अर्थ है कि आपको आने वाले समय में आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आपका जो भी लक्ष्य है, किसी कार्य को लेकर आप मेहनत कर रहे हैं, उस कार्य में आपको सफलता अवश्य ही हासिल होगी और साथ ही समाज में मिलने वाले मान सम्मान की ओर भी संकेत करता है। इसलिए दोस्तों, सपने में पढ़ना या फिर पढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये एक सकारात्मक सपना है। और दोस्तों, यदि आप सपने में खुद को पुस्तक पढ़ते हुए देखते हैं तो इसका अर्थ है कि आपको मानसिक संतुष्टि प्राप्त होगी और आपको आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। वहीं पर यदि आप सपने में खुद को अखबार पढ़ते हुए देखते हैं तो ये सपना अच्छा नहीं होता है। ये सपना आने वाले समय में किसी वाद विवाद में फंसने का संकेत देता है, जो एक बिल्कुल भी अच्छा सपना नहीं है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।